एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले मुंबई में फैक्ट्री हेल्पर की नौकरी के बारे में। देखिए, ऑलमोस्ट जो अनपढ़ कैटेगरी के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बहुत ही बड़ा मतलब ये होता है कि हमें फैक्ट्री में जॉब चाहिए, सैलरी हाई चाहिए और लोकेशंस मुंबई होना चाहिए, क्योंकि मुंबई सपनों का शहर है और उस लोकेशंस में सभी जॉब करना पसंद करते हैं और वहाँ का मौसम सब कुछ अच्छा रहता है। देन अदर साउथ इंडिया से कंपेयर करो तो मुंबई का लोकेशंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आपको पूरा मिल पाएगा। देन वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक नाउ दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें ना, आपको नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में वही लोग आए जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। देखिए, फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आई थिंक कोई बंदा 10th पास करके वो फैक्ट्री में जाता है, 12th पास करके फैक्ट्री में जाता है, तो उनको पढ़ाई लिखाई का काम नहीं मिलता है मेरे भाई, उनको भी हेल्पर का मिलता है। जो अनपढ़ कैटेगरी के लोग को मिलते हैं वो भी उनको मिलता है, ठीक है। तो ये बात पहले मैं क्लियर करा देना चाहता हूँ, अगर आप 12वीं पास होकर के उस फैक्ट्री में जाते हो तो आपको वही काम मिलेगा जो एक अनपढ़ को मिला हुआ है, वही करना पड़ेगा जो एक अनपढ़ को करना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग जाके वहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि हमें अलग डिपार्टमेंट काम चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, मैं आपको पहले ही क्लियर बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस सेक्टर में जॉब चाहिए, देखिए बहुत सारे मुंबई में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, बिस्कुट फैक्ट्री है, धागा फैक्ट्री है, यहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री की तो भरमार है, वहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा, बेल्ट फैक्ट्री है, जींस बनते हैं वहाँ पर कुरकुरे फैक्ट्री, बहुत सारे ऑलमोस्ट फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं और लोग एक्साइटमेंट ना होते तो वैकेंसीज में मतलब पूरा भी नहीं हो पाता है, फुल भी नहीं हो पाता है, कैंडिडेट्स का नीड भी रहता है, लेकिन कंपनी क्या करे, कैंडिडेट मिल नहीं पाता, लोग मिल नहीं पाते काम। मैं आपको कुछ बातें सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में हार्ड काम होते हैं, 12 आवर्स की ड्यूटी होती है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, जो सभी सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत लोग भाग आते हैं, बहुत लोग इधर जाते उधर जाते भटक जाते हैं, लेकिन मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि 1 से 2 महीने अगर आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली कर पाओगे उस काम को, है ना। तो एक्सपीरियंस जरूरी होता है किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में टाइम एक्सपेंड करोगे तो धीरे धीरे आपको एक आदत सी बन जाती है, तो आदत सी बन जाती है तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है ना। तो अगर आपको जॉब्स करना है फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। हो सकता है, देखिए बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं और चले भी जाते हैं, क्योंकि मुंबई लोकेशंस में जॉब्स करना इतना ये नहीं होता है, तो मुंबई में अगर आपको जॉब्स करना है तो वैकेंसीज आते रहते जाते रहते, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उससे इंक्वायरी करना है, वो एक NGO है तो NGO से इंक्वायरी करना है, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट सभी जगह के वैकेंसीज आते रहते हैं। देन अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करते हो, टाइमिंग भी होता है भाई, कॉल करने का टाइम है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसके बाद आप हाथ जोड़ के निवेदन है आप कॉल ना करें, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कॉल करते हो तो हो सकता है आपका कॉल पिक ना हो, रिसीव ना हो, और बिजी तो बताएगा फ़ोन, क्योंकि नंबर 1 है और कॉल करने के वाले हज़ारों लोग हैं, तो हो सकता है कि बिजी बताएगा, लेकिन ट्राई करते रहना है। देन हमारे चैनल का रेफरेंस देना है ताकि आपको कॉल पर पूरा रिस्पॉन्स मिल सके, पूरा डिटेलिंग मिल सके, तो रेफरेंस देना बिल्कुल ना भूले, रेफरेंस दे और बोले कि सर हम मुंबई से हैं और हमें मुंबई में जॉब चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चार्ज है NGO का जो नॉर्मल सा चार्ज, जो गवर्नमेंट का GST होता है वो सब देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 300 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा मांगा जाता है, तो आपको नहीं देना है। देन आपको कमेंट करना है, कमेंट का रिप्लाई आपको 110% मिलेगा, देन हम NGO से बात करेंगे अगर आपको ऐसा हो रहा है तो। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर के। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, आपके सपोर्ट्स में हम खड़े तो हमारे सपोर्ट्स में भी आप खड़े होइए, एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।